किसान आंदोलन पिछले 70 दिनों से चल रहा है और पिछले कई दिनों से खासतौर से जब से बैरिकेडिंग शुरू हुई है। सिंघू गांव की ये अंदर की सड़क है जो कि दिल्ली और हरियाणा के बीच ट्रैवल करने का मुख्य रास्ता बन गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सड़क इतनी संकरी है कि एक बारी में दो गाड़ियाँ साथ में आसानी से नहीं जा सकती और अगर साइड में कोई भी बाधा आए तब कई घंटों तक का ट्रैफिक जाम इस सड़क पर लग जाता है क्योंकि लोगों को धीरे धीरे इस सड़क से निकलकर जाना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पूरी गली जो है सिंघू गांव के अंदर की ये पूरी तरह से जाम हुई हुई है और आसपास के जो लोग हैं इनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि ये रास्ते पूरी तरह से बंद है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करते हैं। अम्मा, आपका ये घर यहाँ पर है, बिल्कुल मेन सड़क पे आ गया है आपका ये घर, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, दुखी हो रहे हैं आप? बच्चे ना करते और हम परेशान हो गए। अच्छा, क्या किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको अम्मा? तो आप लोग कैसे आ जा रहे हैं? आप लोग आना जाना कैसे कर रहे हो? क्या कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और कैसे? अच्छा, परेशान हाँ, पूरा बड़े बड़े। अच्छा, और बेटा आप लोग का स्कूल वगैरह की का हो पा रहा है? इंटरनेट चल रहा है घर का? ना, नहीं बिल्कुल नहीं चल रहा। हाँ जी, कई दिन हो गए नहीं चलता। अच्छा, करता है। अच्छा जी, नहीं, नहीं, नहीं। और ये आसपास के जो लोग इतनी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है? या प्रॉब्लम नहीं, या तो प्रॉब्लम है या तो हम परेशान हो रहे हैं। जी, हो रहा है तो ये है सिंघू गांव की वो गली जो सड़क अब इस वक्त दिल्ली और हरियाणा की मेन आवाजाही की सड़क बन गई है और वहाँ पर सिंघू गांव के भी लोग कह रहे हैं कि उनको इस ट्रैफिक की मूवमेंट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे जो लोग थोड़ा ट्रैफिक में अटके हैं उनसे भी कुछ बात करने की हम कोशिश करते हैं ज़रा यहाँ पर कि इनको किस तरह से जाने की कोशिश ये लोग करें। भाई साहब, आप लोग आप कहाँ से आए हैं? थोड़ा जोर से बोलिएगा। कितनी देर लग गई आपको यहाँ पहुँचने में? डेढ़ घंटा हो चुका है। नॉर्मली कितनी देर लगती है दिल्ली हरियाणा? 45 मिनट्स का रास्ता, आप डेढ़ घंटा आप और यहाँ से कहाँ से जाता है ये रास्ता? अभी तो मैं आगे से घूम के जाएगा, खेतों में से रास्ता है, सिंगल रास्ता है। खेतों में से रास्ता जा रहा है तो क्या आप लोग को रोज कम्यूट करना पड़ता है? डेली मैम, डेली। क्या काम करते हैं आप? मैं मार्केटिंग का काम करता हूं। क्या नाम है आपका? आशीष नाम जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं इनको कम्यूटर्स को जो डेली के कम्यूटर्स हैं नौकरी के लिए जा रहे हैं इनको भी प्रॉब्लम हो रही है और दिल्ली हरियाणा के बीच जो ट्रैफिक चल रहा है उसको भी काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। जहाँ तक किसान प्रोटेस्टर्स का सवाल है वो भी यही कह रहे हैं कि सड़क रोकी गई है उसकी वजह से पानी और टॉयलेट की सुविधा उनके लिए कट हो गई है। पानी की सप्लाई काफ़ी अफेक्ट हुई है जो अंदर प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए भी और इंटरनेट बंद होने की वजह से ना केवल प्रोटेस्टर्स परेशान हैं बट यहाँ जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको भी काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ रही है।